अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्यू एन ए सीरीज में। जो है मैं आपके हर सवाल का जवाब जो है वीडियो की फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप जैसे और लोग भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है उनका सलूशन को मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको पता हो कि मैंने एक सीरीज बनाई थी, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे, उसमें जो मैं आपको फेसबुक ऐड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आज की जो वीडियो का टाइटल है वो आपने पढ़ ली भी लिया होगा, और वही टाइटल जो है मेरे से बार बार पूछा जा रहा था, मेरे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हमारा जो है बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा, एरर आ रहा है। तो उसका मैं आपको आज सोल्यूशन बताऊंगा कि क्या क्या रीज़न है उसके पीछे, वो क्यों आ रहा है, सिर्फ आपको आ रहा है या बाहर ग्लोबली इशू है ये। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और इस सीरीज़ को आपने पूरा फॉलो करना है। जिस तरह आपने प्रीवियस अगर मेरी प्लेलिस्ट देखी हो, उसको काफ़ी लोगों ने सराहा है, उसको काफ़ी लोगों ने अच्छा मतलब फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तो इसको भी आपने मतलब देखना है और इसके बारे में अपने फीडबैक जरूर देने कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और इस तरह से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन की वीडियोस बना सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है वो आपको मैं प्रोवाइड करूँ। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, अनेबल टू क्रिएट फेसबुक बिजनेस मैनेजर, मीन के काफ़ी लोग जो अपना अकाउंट नहीं बना पा रहे, उसकी रीज़न पता क्या है? वो ये है कि पहले जो थे ना लोग नए अकाउंट के नई प्रोफाइल बनाते थे, फ़ौरन को बिजनेस मैनेजर वो बना सकते थे, लेकिन अब जो है फेसबुक ने ये ख़त्म कर दिया कि जो नए यूज़र होते हैं उनको बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने की परमिशन नहीं दे रहा। ये ना सिर्फ आपके साथ के ग्लोबली यही है कि जिन जहाँ जिस कंट्री में हेड क्वार्टर है फेसबुक का, वहाँ के लोग भी क्रिएट नहीं कर पा रहे बिजनेस अकाउंट, जो है उनका बिजनेस मैनेजर जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो इसका ये सोल्यूशन है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 1 साल पुरानी हो, ठीक है, आपने 1 साल पुरानी यूज़ करनी है, जो आपकी बहुत पुरानी आईडी हो उससे, अगर आप उससे आप यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए, तो आपका क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले जो आपने पर्सनल जो आपका बिजनेस मैनेजर है, मीन का जो आपका ऐड अकाउंट है, जो ऐड मैनेजर है, उसको आपने यूज़ करना है, उस पर ऐड चलाने हैं, फेसबुक को पता चल जाएगा आप वाकई ऑफिशियली हैं, आप फेक नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है अपनी आईडी बना के छोड़ देते हैं। तो फेसबुक जो है इसके खिलाफ काफ़ी मतलब स्टेप लिए हैं। तो अब जो है जो अनएक्टिव जो प्रोफाइल्स हैं उनको डीएक्टिव किया जा रहा है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। तो आपने पहले फेसबुक को ये ट्रस्ट दिलाना है कि आप वाकई आपकी जो आईडी है वो ऑफिशियली है, आप यूज़ करते हैं उसे, एक्टिव रखते हैं उसे, 1 साल तक आप एक्टिव रखें, उसके बाद जो बिजनेस मैनेजर आप ये कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर किस लिए यूज़ होता है आपको नहीं पता, तो आपको मैं प्लेलिस्ट बता दूंगा, आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको आई बटन में आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप जो है वो प्लेलिस्ट दे सकते हैं कि बिजनेस मैनेजर क्या फ़ायदे होते हैं और बिजनेस मैनेजर किस तरह यूज़ किया जाता है। सारा मैंने एक सीरीज़ बनाई थी ऐड मैनेजर भी, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी, वो आप लाजमी देख लें। उम्मीद है को आपको आपके आंसर मिल गया होगा, आपने टेंशन बिल्कुल ही लेनी, जो ये एरर है ग्लोबली है। तो आपने जो है पहले 1 साल अपनी आईडी यूज़ करनी है, उसको अच्छी तरह से आपने ऐड अगर चलाने हैं तो अपने पर्सनल ऐड अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ से अपने क्लाइंट के पेजेस जो है मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद जो अपने बिजनेस मैनेजर के तो ईजिली से जो है क्रिएट हो जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई और इशू आ रहा है, जिस तरह के आपकी एडवर्टाइजिंग सिचुएशन है, इसका मतलब है कि आपने कोई पॉलिसी ब्रेक किया जिसकी वजह से जो है आप अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं कर पा रहे, एक है अनेबल टू क्रिएट फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट, एक तो ये है, इसका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, 1 साल आपकी पुरानी हो। दूसरा है कि प्रोफाइल रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, आप एडवर्टाइजिंग कर ही नहीं सकते, इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसी मार्केटिंग की है, ऐसी एडवर्टाइजिंग की है, ऐसे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की है जो कि इलीगल प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्या इनकी पॉलिसी है, इससे पहले अगर मेरी फेसबुक बिजनेस मैनेजर सीरीज अगर आप जाएं तो उसकी लास्ट वीडियो है कि फेसबुक ऐड पॉलिसी, उसको आप पढ़ें, पूरा पढ़ें, और उसमें मैंने 36 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया, जिसपे आपने कभी भी प्रमोट नहीं करना फेसबुक पे, ठीक है, वो आप देखें। अगर आपने उनमें से कोई प्रोडक्ट ऐसे प्रमोट किया है तो काइंडली आप ऐसा ना करें, मैंने आपका ऐड अकाउंट तो डिसेबल होगा ही होगा, अगर आप बार बार वही ऐड चलाने की कोशिश करेंगे अपनी प्रोफाइल से तो आपकी प्रोफाइल जो है वो भी बैन हो सकती है। तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप कभी भी मतलब ऐड नहीं चला सकते, आपको जो न्यू आईडी बनानी पड़ेगी एडवर्टाइजिंग के लिए।